हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्पोर्ट्स टॉक पे, जहां आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन क्रिकेट के वन ऑफ द अनसन हीरोज के बारे में, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2007 और ODI वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल्स में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पारियां खेली और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो आज का वीडियो एक ट्रिब्यूट होगा गौतम गंभीर सर को, जहाँ पे हम लोग जानेंगे गौतम गंभीर को एज अ क्रिकेटर एंड एज अ पर्सन। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस न कर पाएं। गौतम गंभीर का जन्म 10 अक्टूबर 1981 को हुआ था और 10 साल की उम्र से ही गंभीर ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उसके बाद फर्स्ट क्लास करियर में भी गंभीर का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन रहा, जहां गंभीर ने कंसिस्टेंटली 50 के ऊपर के एवरेज से रन बनाए। 2002 में फर्स्ट क्लास करियर में लगातार 2 डबल सेंचुरीज लगा के गंभीर ने सिलेक्टर्स का ध्यान अपने ओर खींचा और फिर 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ गंभीर ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। अपने डेब्यू मैच में ही गौतम गंभीर ने एक हाफ सेंचुरी बनाया और एक अच्छी पारी खेली, लेकिन उसके बाद गंभीर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा जिसकी वजह से उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। फिर 2005 में गौतम गंभीर ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी वापसी की और अपना पहला ODI सेंचुरी बनाया और उसके बाद गौतम गंभीर ने अपना टेस्ट डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। और फिर आया 2007 T20 वर्ल्ड कप, जहां पे सभी इंडियन सीनियर प्लेयर्स ने रेस्ट लिया था और महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में एक बिल्कुल ही युवा टीम पहला T20I वर्ल्ड कप खेलने गई। यहां पे गौतम गंभीर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। गौतम गंभीर ने इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए और फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 54 बॉल में 75 रन की गंभीर की पारी ने इंडिया को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताया। 2008 और 2009 गौतम गंभीर के करियर के 2 सबसे बेहतरीन साल थे, जहां पर गंभीर ने T20, ODI और टेस्ट तीनों फॉर्मेट्स में ही बहुत सारे रन बनाए और कंसिस्टेंटली रन बनाए। कभी कभी गंभीर वीरेंद्र सहवाग से भी ज़्यादा एग्रेसिवली बैटिंग करते थे। टेस्ट मैचेस में गंभीर द वॉल राहुल द्रविड़ की तरह सॉलिड बैटिंग करते थे और कई बार सचिन तेंदुलकर की तरह गंभीर लंबी पारियाँ भी खेल रहे थे। और फिर 2009 में जब इंडिया ने 41 साल बाद न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाके टेस्ट सीरीज में हराया, तब वहाँ पे भी गौतम गंभीर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उस सीरीज़ में गौतम गंभीर ने इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा 445 रन बनाए। स्पेशली सेकेंड टेस्ट मैच के सेकेंड इनिंग्स में गंभीर का 430 बॉल में खेला गया 137 रन का पारी बहुत ही बेहतरीन और यादगार पारी था, जिसके वजह से इंडिया टेस्ट में नंबर 1 बना और उसके बाद गौतम गंभीर भी ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन बने। फिर 2010 में गौतम गंभीर को इंडिया की कैप्टनसी करने का मौका मिला, जहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ एक होम सीरीज में गौतम गंभीर की कैप्टनसी में इंडिया ने न्यूजीलैंड को 5-0 से हराया। और फिर आया 2011 वर्ल्ड कप, जहां पर गौतम गंभीर का परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड कप में काफ़ी एवरेज था, लेकिन फाइनल में आकर गौतम गंभीर ने 97 रन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी खेली, जिसके वजह से इंडिया ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप अपने नाम किया। 2011 वर्ल्ड कप के बाद गौतम गंभीर का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, उनका फॉर्म में गिरावट आया जिसके वजह से टीम से उनको बाहर होना पड़ा। गंभीर ने अपना आखिरी T20I मैच 28 दिसंबर 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ, अपना आखिरी ODI मैच 27 जनवरी 2013 को इंग्लैंड के खिलाफ और अपना आखिरी टेस्ट मैच 9 नवंबर 2016 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला। और फिर 3 दिसंबर 2018 को गौतम गंभीर ने ऑफिशियली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। IPL करियर की बात करें तो गौतम गंभीर का शुरुआत IPL में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम की तरफ से हुआ था, जहां पे पहले ही सीजन में गौतम गंभीर ने दिल्ली के लिए 530 रन बनाए थे और सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। फिर 2011 में KKR ने गौतम गंभीर को अपनी टीम में साइन किया और गंभीर KKR के कैप्टन बने। गंभीर के एग्रेसिव कैप्टनसी, बॉलिंग चेंजेस और जिस तरह से फ्रंट से उन्होंने KKR को लीड किया, उसके वजह से KKR 2012 और 2014 में IPL चैंपियंस बना। 2017 तक गौतम गंभीर KKR टीम के साथ जुड़े रहे और उसके बाद 2018 में गौतम गंभीर ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपना आखिरी IPL सीजन खेला। 2019 इलेक्शंस में गौतम गंभीर को मेंबर ऑफ द लोकसभा चुना गया और गौतम गंभीर को उन कुछ पॉलिटिशियंस में से कहा जा सकता है जो कि देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और देश को अच्छे के लिए बदलना चाहते हैं। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि गौतम गंभीर एज अ पॉलिटिशियन भी उतने ही सक्सेसफुल रहे जितने वो एज अ क्रिकेटर रहे हैं। और इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आया हो और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोज को मिस न कर पाएं।